हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, आज हम सेटाफिल ऑयली स्किन क्लींजर और मॉइस्चराइजिंग लोशन का रिव्यू करने वाले हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मुझे इसके साथ ही डेंटल स्किन क्लींजर फ्री भी मिला था। तो गाइस, जैसे कि मैंने भी पहले इसे खरीदने से पहले इसके बहुत रिव्यूज देखे थे कि मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। हाँ, मॉइस्चराइजिंग लोशन थोड़ा बहुत अच्छा है, बट ऑयली स्किन क्लींजर में वो बात है ही नहीं। इतना मुझे खास नहीं लगा। जैसे इस पर लिखा है रिमूव एक्सेस ऑयल विदाउट ड्राइंग, जेंटल फॉर्मिंग एक्शन, फेस वॉश इसका ना बहुत ज़्यादा माइल्ड है, मतलब आपकी स्किन को तो साफ बिल्कुल। अगर आप इससे फेस वॉश भी कर लो तो भी नहीं लगता कि फेस वॉश किया है। हाँ, मॉइस्चराइजिंग लोशन मुझे ठीक लगा, थोड़ा बहुत क्या, ठीक ही है, बट मैं इससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं फेस वॉश से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। और ये जो मुझे मिला था जेंटल स्किन क्लींजर, इससे भी मैंने फेस वॉश किया, बल्कि ऑयली स्किन वाले से ना ये वाला ज़्यादा बेटर लगा मुझे। ऑयली स्किन के लिए भी जेंटल स्किन वाला बेस्ट है, अगर आप लेना चाहो तो। मैंने ये तीनों प्रोडक्ट्स नायका से खरीदे थे, और अगर आपको लिंक्स चाहिए तो मैं आप अवेलेबल कर दूँगी। अगर आप खरीदना चाहो तो ले सकते हो, बट इतना मतलब वैल्यूएबल फॉर मनी नहीं है ये प्रोडक्ट आपके लिए। तो गाइस देख लेना, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँगी तो मुझे ही पता है आप लोग नहीं देखोगे। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मॉइस्चराइजिंग लोशन आप सेपरेटली खरीद लें, वो सही है, बेस्ट है, बट ऑयली स्किन क्लींजर को आप ना ही लेना तो ही बेस्ट है। ओके ओके गाइस, बाय, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।